जब एक फौजी पहली बार अपनी ड्यूटी पर जाता है तो उसके परिवार वाले, उसके जानने वाले सब यही प्रार्थना करके भेजते हैं कि वो जैसे जा रहा है ऐसे ही वापस भी आए। एक फौजी के परिवार को हमेशा यही डर सताता है कि उसका बेटा जो कि सरहद पर तैनात है वो सही सलामत तो है, लेकिन इस डर का आप या फिर मैं शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। जरा सोचिए क्या हुआ होगा एक माँ के साथ जब उसका फौजी बेटा उनको वीडियो कॉल करता है और कॉल करने के तुरंत बाद ये कह दे कि माँ आप अपना ध्यान रखना, और इतना कहने के बाद फोन कट जाए। ऐसा ही कुछ हुआ रितु पठानिया के साथ। रितु पठानिया उन 7 शहीदों में से एक शहीद की मां है जो 6 फरवरी को अरुणाचल में आए बर्फीले तूफान की वजह से अमर बलिदान हो गए। हम बात कर रहे हैं राइफलमैन अक्षय पठानिया की। शहीद अक्षय की मां रितु पठानिया ने बिलखते हुए बताया कि अक्षय बेशक सेना में भर्ती था, लेकिन वो हर रोज वीडियो कॉल करके उसका हाल पूछता था, और 2 फरवरी को भी अक्षय ने उन्हें वीडियो कॉल की। जैसे ही उसने हेलो की तो अक्षय ने कहा कि माँ आप अपना ध्यान रखना, इतनी कहते ही फोन कट गया और उसके बाद फोन नहीं आया। माँ रितु पठानिया ने बताया कि फोन लाइन क्या कटी, मानो उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। शहीद की माँ ने बताया कि अक्षय कहता था कि वो जल्द छुट्टी पर आएगा, मगर उन्हें क्या पता था कि अब उनका बेटा लंबी छुट्टी पर चला गया है जहाँ से वो कभी वापस ही नहीं आएगा। शहीद राइफलमैन अक्षय पठानिया के पिता सेवानिवृत्त हवलदार सागर सिंह पठानिया ने नम आँखों से बताया कि उनकी तीसरी पीढ़ी भारतीय सेना में सेवाएं दे रही है। घर में छोटा होने के कारण रिश्तेदार कहते थे कि अक्षय को सेना में मत भेजो, मगर उन्होंने अपने परिवार की सैन्य पृष्ठभूमि को प्राथमिकता देते हुए किसी की भी बात न मानते हुए अक्षय को फौज में भर्ती करवा दिया। उन्होंने कहा कि बेटे के जाने का उन्हें दुख तो बहुत है, मगर उनकी शहादत पर गर्व भी है। वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सैन्य धर्म निभा गए। शिवालिक जर्नल नमन करता है ऐसे बहादुर सैनिकों को जो देश के लिए अपना परिवार, अपनी खुशियां त्याग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।